मध्य प्रदेश में मानसून जाते जाते फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। प्रदेश में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से जहां एक तरफ आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। खेत में लगी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने और प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 6 संभागों में बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि टर्फ लाइन मध्य महाराष्ट्र से और उत्तराखंड तक और राजस्थान से होकर गुजर रही है, जिस कारण से मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश के इस सीजन में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसके बावजूद भी मॉनसून मध्य प्रदेश से जाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ आम जन का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, वहीं दशहरा पर्व भी फीका पड़ गया। आप पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, नर्मदापुरम शहडोल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, सागर जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कुछ स्थानों पर और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े कोलारस 16, नरवर 15, पिछोर 14, शिवपुरी पोहरी में 12, खनियाधाना जीरापुर में 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान एक ट्रफ लाइन है जो कि अभी मध्य महाराष्ट्र से और उत्तराखंड तक है, जो कि राजस्थान से ऊपर गुजर रही है और जिस कारण से अपने मध्य प्रदेश में अभी खासतौर से पश्चिम मध्य प्रदेश में, जिसमें कि ग्वालियर, दतिया, सिपुरकला, भिंड, मुरैना में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। किसानों की बात करें तो इस समय सोयाबीन की फसल की कटाई चल रही है। कुछ किसानों की सोयाबीन की फसल निकल कर खलिहान में रखी हुई है, तो वही कुछ किसानों की फसल खेत में खड़ी है। दोनों ही परिस्थितियों में किसानों के लिए बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। जहां कटी फसल के बारिश में भीग कर सड़ने की संभावना है, तो वहीं बारिश की वजह से खेत में पक कर तैयार खड़ी फसल की फली के अंदर से बीज अंकुरण होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी ने एक बार फिर आमजन और विशेषकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर जगा दी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।